हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और ट्रांसपोर्ट अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू वीडियो जो कि है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो कि भारत में हाल ही में लॉन्च हुआ है। हाँ जी दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद द्वारा प्रायोजित स्टार्टअप प्योर ईवी ने अपना 5वां इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल ई ट्रांस प्लस को 56,999 रुपये में लॉन्च किया है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.25 किलोवाट की पोर्टेबल बैटरी के साथ आता है, जो प्रति चार्ज पर 65 किलोमीटर की रेंज देती है। और प्योर ईवी का कहना है कि कंपनी ने आईआईटी हैदराबाद के कैंपस के बाहर अनुसंधान केंद्र खोला है। यहाँ पर इन हाउस बैटरी निर्माण की सुविधा भी है। इस सेंटर पर कंपनी की रिसर्च एवं डेवलपमेंट टीम इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर रिसर्च करती है। यह टीम अधिक चमकता वाली हाई परफॉर्मेंस लिथियम बैटरी के विकास के लिए काम कर रही है। और इस स्कूटर के अनूठे पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए प्योर ईवी के मुख्य कार्यधिकारी रोहित वडेरा ने कहा है कि ई ट्रांस प्लस पर मजबूत चेसिस डिज़ाइन के साथ आती है, जिसे भारतीय सड़क की स्थिति के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। स्कूटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। और प्योर ईवी ने इससे पहले 4 इलेक्ट्रिक स्कूटरों को बाज़ार में लॉन्च कर चुकी है। इनमें ई प्लूटो 7G, ई प्लूटो, ई ट्रांस और ई ट्रोन शामिल है। प्योर ईवी ने बताया है कि कंपनी अपनी उत्पादक क्षमता में इजाफा कर रही है। और फिलहाल कंपनी ने अपने संयंत्र में सालाना 20,000 स्कूटरों का निर्माण कर रही है, जिसे कुछ वर्षों में बढ़ाकर 2 लाख यूनिट करने का लक्ष्य रखा गया है। और कंपनी ने यह भी बताया है कि अगले साल 2 लाख वर्ग फीट के प्लांट में उत्पादन शुरू किया जाएगा। और प्योर ईवी ने बताया है कि ई ट्रांस प्लस स्कूटर की लॉन्च बड़ी उपलब्धि है, और कंपनी ने कोरोना महामारी के दौर में भी अनुसंधान और विकास को जारी रखा है। और कंपनी ने बताया है कि दिसंबर तक इस स्कूटर की हाई स्पीड मॉडल को उतारा जाएगा, जिसकी टॉप स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।